जितने भी सारे क्वेश्चन थे इसमें वो सारे 10-10 मार्क्स के। और ये देख रहे हो आंख का नीचे डार्क सर्कल्स हो गया है। 0 0 0 और मार्क्स एकदम नहीं मिलता है। दिस इज ओनली सफिशियंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी, सो नॉट इक्वल। पे है समीर हिल्स, जो कि हम लोग हमारा मिनी ट्रैक वहीं पे होता है। मतलब अगर किसी को मेरे को क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है तो इस टाइप का रहता है, देख लो। बॉम्बे का एकेडमिक्स कुछ ज़्यादा ही टफ है। हाय एवरीवन, दिस इज वीसू फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो हम लोग का जो मिड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आ गया है, और इस वीडियो में तो मैं दिखाऊंगा मैं अपना आंसर स्क्रिप्ट, और मतलब चेकिंग कैसे होता है, और एवरेज मार्क्स क्या रहता है, और हाईएस्ट मार्क्स क्या रहता है, और पॉइंटर कैसे बनता, सबके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक वो मिड सेमेस्टर वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा था, तो वो यहाँ आई टैब पे आ रहा होगा, उसको जाके देख लेना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये था क्लोज्ड बुक टेस्ट, और जो बैकग्राउंड में अगर नॉइज आ रहा तो यार इसको इग्नोर करना, क्योंकि सामने हॉस्टल बन रहा है। तो चलो तुमको दिखाते हैं मेरा मिड सेमेस्टर का आंसर स्क्रिप्ट। तो जितने भी सारे क्वेश्चन थे इसमें वो सारे 10-10 मार्क्स के थे, और टोटल मार्क्स जो था वो था 50। और 50 में तुम्हारा जो 50 जो तुम्हारा टोटल मार्क्स है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 25% में, क्योंकि मिड सेम का वेटेज 25% था ये सब्जेक्ट के लिए। तो ये देख रहे हो 0, यहाँ पे 0, और ये वाला तो भाई पूरा ही गलत है, और मार्क्स एकदम नहीं मिलता है। दिस इज ओनली सफिशियंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी, सो नॉट इक्विवेलेंट। तो भाई 1-1.5 यहाँ पे। और ये देख रहे हो, योर आंसर इज इररिलेवेंट। और इसमें जो मेरा मार्क्स आया है वो है 17.5 out of 50, और एवरेज गया था इसमें 20। ये है नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का जितना भी सब्जेक्ट होता है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड होता है। और जिनको नहीं पता है एवरेज से क्या होता है, जो भी मतलब तुम्हारा जो अगर तुम्हारा मार्क्स एवरेज के पास है तो तुम्हारा 8 पॉइंटर बन जाता है आराम से, और एवरेज से नीचे है तो 8 पॉइंटर से कम बनेगा, और एवरेज से अगर ऊपर है तो 8 पॉइंटर से ज़्यादा। तो ये था प्रोबेबिलिटी का, और इसमें 5.5 आया आउट ऑफ 20। इसका एवरेज शायद 7 था। तो ये एक और सब्जेक्ट का मैं दिखा देता हूँ मार्क्स, 0 0 0 0, भयंकर काटा जाता है भाई नंबर। यहाँ पे नंबर लाना कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, हर एक चीज़ के लिए तुमको एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना पड़ता है, कुछ भी अगर मिस हुआ तो नंबर सीधा गया। ये देख लो, ये क्वेश्चन सही हो गया तो पता नहीं कैसे 4 नंबर। तो ये 40 मार्क्स का था, और इसमें आया मेरा 6 out of 40, और इसका एवरेज था 8। और जो लोग बोल रहे थे भाई क्वेश्चन देखना है मेरे को, क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, तो इस टाइप का रहता है, देख लो। अगर तुमको देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। ये मिड सेम का क्वेश्चन था ये, और एक ये प्रोबेबिलिटी का है, पता नहीं तुमको समझ में आया कि नहीं। रैंडम वेरिएबल बर्नौली। और ये देख रहे हो आँख का नीचे डार्क सर्कल्स हो गया है, कुछ ज़्यादा ही टफ है भाई। IIT बॉम्बे का एकेडमिक्स कुछ ज़्यादा ही टफ है, और कोई बात नहीं, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ वी शुड बिकम टफर। तो अभी एंडसम आ रहा है, एंडसम का भी तुमको वीडियो दिखाएंगे कैसे है, मतलब एंडसम एग्ज़ाम होता है और उसका भी रिजल्ट तुमको दिखाएंगे। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लो, ये है समीर हिल्स, यहाँ पे है समीर हिल्स, जो कि हम लोग हमारा मिनी ट्रैक वहीं पे होता है। मतलब अगर किसी को ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो वहाँ भी जा सकता है समीर हिल्स। एक और चीज़ बताना था कि जैसे ही मेरा एंडसम ख़त्म होगा उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे वीडियो लाऊंगा, और जेई मेंस पे भी, और मैं अपना स्टोरी बताऊंगा कैसे मैं IIT में आया। तो यार अगर तुम चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट मिस नहीं हो। तो मिलते हैं बाद में।